नमस्कार साथियों, ज्ञान बूस्टर कंप्यूटर शाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बैग में बहुत सारा सामान रखा जा सकता है, इसी प्रकार कंप्यूटर में भी एक बैग होता है जिसे हम कहते हैं फोल्डर। और फोल्डर में अलग अलग प्रकार की कई सारी फाइलें हम अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करके रख सकते हैं। तो आज हम फोल्डर बनाने के 3 तरीके सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कंप्यूटर की मेमोरी में आ चुके हैं और यहाँ पर फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहला तरीका है, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर का नाम आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे मैंने इस फोल्डर का नाम रख दिया है 01 और एंटर। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका है राइट क्लिक, न्यू और फोल्डर। तो फोल्डर एक नया आपके सामने आ चुका है, इसका नाम हमने रख दिया है 02। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। और फोल्डर बनाने का तीसरा तरीका है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की प्रेस कर देना है। तो देखिए, एक तीसरा फोल्डर हमारा सामने आ चुका है। ठीक है, तो फोल्डर बनाने के लिए आज हमने 3 तरीके सीखे। सबसे पहला तरीका, सबसे ऊपर आपको मिलेगा न्यू फोल्डर। दूसरा तरीका है राइट क्लिक, न्यू और फोल्डर। और तीसरा तरीका है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो साथियों, उम्मीद है आज के वीडियो में आपने कुछ अच्छी चीजें सीखी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को एक्टिव जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।